का जो बाहर रहते हैं वो तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, बाहर रहने वाले मोदी को सपोर्ट। हाँ, बिहार में रहने वाला किसको सपोर्ट करेंगे? बिहार में रहने वाला किसको सपोर्ट करेंगे? लालू यादव के, तेजस्वी भैया के। लालू यादव को कहा जाता है कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं, अपने परिवार में ही ज्यादा लोगों को टिकट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई और यादव भी तो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? बन सकता है ना, अच्छा काम करेगा वो भी बन सकता है। तो फिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री, लवर से भी ज्यादा धोखा गलत। अच्छा, लालू यादव को आप लोग इतना मानते हैं? लड़की से भी ज्यादा धोखा देता है पलटू चाचा। यादव कभी टूटने वाला है ना, झुकेगा। माने कि इस बार मोदी को हटाएगा? हटाएगा। कौन सम्राट चौधरी है? अभी तक चिंते नहीं है, फोटो उठवा दिखा दीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री है भैया, नहीं जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज पटेल है, आप बिहार एसटी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है और यह लोकसभा क्षेत्र में इस बार लोकसभा के चुनाव में वैसे इस बार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव का जो प्रत्याशी होगा उनको जिताने जा रहे हैं? क्या चलेगा, लालू मैजिक चलेगा, लालू मैजिक चलेगा कि मोदी मैजिक चलेगा? लालू मैजिक चलेगा यहाँ। क्या लालू मैजिक चलेगा? क्या लालू जी का राज चलेगा यहाँ पे, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए अच्छा कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट के लिए। जब भाजपा तो कर रही है अब की बार 400 पार। कुछ नहीं है, युवा के लिए सबसे अच्छा तेजस्वी भैया जी। तेजस्वी भैया, तेजस्वी जी का बात जब किए हैं तो तेजस्वी जी युवाओं के लिए क्या महीना में देखे ना, क्या किए हैं? नौकरिया बांटे जी, बांटे हैं। अच्छा, मोदी जी भी तो कह सकते हैं कि बहुत सारा विकास का काम। कितना बोले थे, कितना दिए हैं? कितना दिए हैं बताइए, 17 महीना में कितना किए हैं कि पता चल गया है ना? 17 महीने में करके दिखा दिया, 17 साल का जो नहीं हुआ ना। क्या लगता है इस बार जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 400 पार नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, ये सब कुछ नहीं है? 40 में ही लटक जाएंगे, 40 में ही लटक। बिहार में 40 को सीट है, 40 को सीट में क्या लगता है इस बार महागठबंधन कितना जीत रही है? उनके आधा से आंकड़ा पार जाएगा महागठबंधन का, 40 में से लमसम 30 सीट आएगा आरजेडी का। वोट किसको दीजिएगा इस बार लोकसभा के चुनाव में? दोनों को। दोनों को कैसे दे दीजिएगा? देखिए ये दोनों को बोल दे, एक एक को दबाना पड़ता है, दोनों दबाएंगे। आपके कहने से थोड़े हो जाएगा, बोकस में चल जाएगा। हां, तो बोकस हो जाएगा। क्या हो गया हमको? क्या आपको कौन नेता अच्छा लगता है? बीजेपी। बीजेपी वोट गिराते हैं जी? अभी नहीं गिराते, मेरा 18 साल इस बार पूरा आपसे गिराएंगे वोट। मोदी जी को जानते हैं जी? प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है मोदी जी? ठीक है ठाक लगते हैं। इस बार देश में क्या लगता है किसका बोलबाला है, मोदी का कि लालू यादव का? देखिए, मोदी का लग रहा है, जो बाहर रहते हैं वो तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, बाहर रहने वाले मोदी को सपोर्ट। हाँ, बिहार में रहने वाला किसको सपोर्ट करेंगे? लालू। बिहार में रहने वाला किसको सपोर्ट करेंगे? लालू यादव के, तेजस्वी भैया के। देख सकते हैं यहाँ पे कोई लालू यादव, कोई नरेंद्र मोदी, हालांकि अभी तक नीतीश कुमार का पार्टी का नहीं मिला है। पलटू चाचा की जरूरत नहीं है, पलटू चाचा को बोल, पलटू चाचा के बिना जरूरत नहीं है। लालू यादव लवर से भी ज्यादा धोखा गलत। अच्छा, लालू यादव को आप लोग इतना मानते हैं? लड़की से भी ज्यादा धोखा देता है पलटू चाचा, लड़की से देता है। अच्छा, तो इतना धोखा देते हैं फिर भी तो इतना दिन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? बने हुए हैं ना, हम की बार देख लीजिएगा। लालू यादव को कहा जाता है कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं, अपने परिवार में ही ज्यादा लोगों को टिकट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई और यादव भी तो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? बन सकता है ना, अच्छा काम करेगा वो भी बन सकता है। तो फिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री? तेजस्वी ये काम नहीं करेंगे, उनको भी चेंज कर दीजिए, दूसरा कोई अच्छा बंदा है काम करने में उसको बनाइए। मेरा कहना है लालू यादव मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री। सुने सुने, एक सेकंड, मेरा बात ठीक है? पलटू चाचा की जो लड़की से भी ज्यादा धोखा देते हैं पलटू चाचा। सुनिए, अगर बिहार में बहुत सारे यादव हैं, जो कि बहुत सारे यादव जो उस लायक है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जो आरजेडी में भी हैं, उन यादवों को मुख्यमंत्री के लिए घोषणा आखिर क्यों नहीं किया जाता है? सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी क्यों होता है? अभी वही है, मेहनत अभी सबसे ज्यादा उन्हीं का है, अभी सबसे ज्यादा मीनिंग उन्हीं का। आप लोग को तो हम पहचानते नहीं है। अच्छा, एक बात, इधर आइएगा भाई, आप बोले हैं मेहनत की बात, इधर आइएगा, इधर इधर आइएगा। पप्पू यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। किस समय से लालू यादव के साथ रह रहे हैं? बहुत शुरू से रह रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि बिहार का उत्तराधिकारी अगर लालू यादव का कोई है तो पप्पू यादव है, लेकिन पप्पू यादव को हटा करके तेजस्वी यादव को प्रस्तुत किया जाता है? ऐसा बात नहीं है, पप्पू यादव भी उनका जब समय आएगा तो खुद के बन जाएंगे देश के प्रधान, मतलब बिहार का मुख्यमंत्री। अभी जस्ट में तो अभी तेजस्वी भैया ही बनेंगे, चाहे जो भी हो जाए।